Assalamualaikum, this is Ishfaqan Mia. Welcome back to my YouTube channel. आज है 6th रोजा. आप सभी को अरे यार ये क्या है ये पर्दा. सो आज 6th रोजा है ना. आप सभी को रोजा मुबारक हो. मैं बहुत बार टेक ले चुकी है ऐसे बिकॉज बार बार पर्दा इधर से उधर हो रहा था. सो मैं जस्ट आई हूँ नमाज पढ़ के. नमाज पढ़ लिया सर की और मैंने सोचा क्यों ना मैं ये ब्लॉग शाम से स्टार्ट करूँ. आज पूरे दिन मैंने उतना कुछ खास किया नहीं तो मैंने सोचा शाम से स्टार्ट करूँ ताकि इफ्तार भी आपको दिख जाए. और मैं धूप पे खड़े होके वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इस वक्त ये धूप बहुत अच्छी लग रही है इस कैमरे पे, इस वजह से मैं बना रही हूँ. तो चलो अभी मैं पर्दा बंद कर देती हूँ और मैं अंदर जाती हूँ. अरे ये तो पूरा ही अंधेरा हो गया. ये क्या हुआ था एकदम से. मैं आप सबको छोटी छोटी तो मैं आप सबको छोटी छोटी चीजें दिखाना चाहती हूँ जो मैंने मेरे रूम में फिलहाल टाइम पास के लिए की है. जैसे आप सब मेरा मियाँ देख सकते हो. पता नहीं मुझे क्या ख्याल आया, रात को दिखाऊंगी एकदम अच्छे से दिखेगा. ये देखो मुझे ख्याल आया था, मैंने सोचा क्यों ना मैं लाइट्स यहाँ पे लगाऊं क्योंकि मियाँ बहुत, जब मैं जलाती हूँ मियाँ तो बहुत पिंक पिंक हो जाता है. तो ये वाली जो है ये थोड़ी येलो है, जैसी जलती है तो अच्छी लगती है रात को. तो मैं सिर्फ यही जला देती हूँ तो भी अच्छी लगती है, अगर मैं मियाँ नहीं जलाऊं तो. मैंने ना ये छोटा सा क्यूट सा ए भी ऑर्डर किया था जो आया था. इसमें बैटरी नहीं है फिलहाल के लिए, मेरा सेल भी नहीं है ये वाले जो इसमें लग सकते हैं. सो मैं जब मंगाऊंगी आप सबको दिखाती हूँ जलने के बाद कैसे लगते हैं. ये बहुत कॉमन है, ज्यादातर हर किसी के पास होता है, बट मुझे क्यूट लगा और मुझे लगा मैं अपने रूम में कहीं रख सकती हूँ तो मैंने मंगा लिया. आप सबको मम्मी से मिलवाती हूँ अगर वो आने रेडी होंगे तो. मम्मा इधर <वो। laughs> इसको दिखाओ जल क्यों नहीं रही. अरे लगाया तो जी लगाया था बट ये जल नहीं रहा था, पता नहीं क्यों. वापस जला के देखती हूँ. एक हाथ से तो ये लगने से रहा, अभी जला था. मैं डर गई थी ना एकदम से आवाज आया था से. मुझे तो डर लगता है बहुत जलाने में. डरपोक देखो कैसे कर रही हूँ. इसमें जलाती रुको, खराब तो नहीं हो गया. जल गया जल गया. मम्मा दुआ कर रहे हैं और इधर मम्मी उनको बैठ के देख रहा है. मम्मी हाय क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो. नहीं जो फिर मारा इसने, इसकी आदत ना बहुत खराब है ये, मुझे मारता ही रहता है. पता नहीं मुझे ही क्यों मारता है, मम्मी को नहीं मारता सिर्फ मुझे ही मारता है. ये मुझसे चिढ़ता है शायद, या इसको देखा देखा मम्मा फिर किया इसने. शायद इसको मैं पसंद नहीं हूँ, ये मुझसे चिढ़ता है. ओए क्यों मारता है, उल्टा सीधा कर उल्टा. देखो मम्मा उसने मुझे नहीं मारता. देखो चाहो मेरे बच्चे को, चाहो मेरे बच्चे को, चाहो बच्चे को चाहो. मारा ना, देखो मारा ना आपको भी. हाँ तो मुझे भी मारा. मैं देखो मारता है. आ जल रहा है अब मुझे. ये जोर से मारा उसने, निशान पड़ते हैं. रुको फोकस दे रही हूँ. मारा ना. अरे देखो देखो अभी देखा निशान अच्छे से, दो जगह मारा इसने. अब बदमाश बच्चा. क्यों बदतमीज हो गई हो, क्यों बदतमीज होगा तुम्हारा बड़ा सा. डर गया मैं, डर गया. नहीं मारता नहीं, पकड़ लेता है. आप पकड़ते डर रहा है वो हर चीज से करता. क्या मेरे बच्चे को डरा दिया इसने, मेरे बेटे को डरा दिया, मेरे बाबू, मेरी टिम्मी, टिम्मी बच्चों. नहीं मालूंगी, दवाई डाली थी ना सुबह सुबह आज मैंने. बातें सुन रहा है मम्मी आपकी. क्या हुआ मेरे बच्चे को. चलो गाइस मैं ना इस लाइट की एक स्टोरी बताती हूँ आप सबको. जैसा कि आप सबने ये वाली लाइट मेरे व्लॉग्स में बहुत बार देखी होगी एंड आई एम श्योर कि आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह की स्पेलिंग ये नहीं होती है. और मुझे पता है ये बात की ये नहीं होती है. तो इसकी एक छोटी सी स्टोरी मैं जल्दी जल्दी आप सबको बता देती हूँ. तो जब मैंने इसको ऑर्डर किया था, जिनसे मैंने ऑर्डर किया था उनको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह की स्पेलिंग राइट लिख के दी थी. बट एक और मैंने फोटो उनको भेजा था जो कि मैंने फॉन्ट के लिए भेजा था कि मुझे इस तरीके का फॉन्ट चाहिए, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह की स्पेलिंग ये लिखी थी जो कि राइट नहीं है. तो ये जब आया तो करेक्ट नहीं आया, बट जब आ गया था तो अब
क्या कर सकते हैं, इतना बड़ा नियॉन लाइट, तो मैंने सोचा छोटो लगा दो, एक दिन कभी ना कभी मैं आप सबको इसकी छोटी स्टोरी है जो वो बता दूंगी, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह की करेक्ट स्पेलिंग नहीं आती हो, मैंने ये गलत खरीदी। मैंने ओरियो का ना, ये मेरा एक रबर बैंड था, इस पर लगा दिया था, तो ये लोग इससे खेलते रहते हैं। मैं कुछ ना करती रहती हूँ इन लोगों के साथ, नया नया टाइम पास, ताकि इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया खेलने मिले। अभी इफ्तार बनाने के लिए सब सामान निकाल रहे, देख सकते हो कितनी कड़कती भड़कती धूप आ रही है, और कड़कती भड़कती धूप। और मम्मी कैसे बात करते हैं बिल्लियों से, कैमरा रहेगा तो नहीं बोलेंगे, बट वैसे तो वो बोलते हैं, सुनाती हूँ। मम्मा बुलाओ ओरियो को, लो ओरियो, मेरा लो ओरियो, मेरा लो ओरियो, क्या है वीडियो बना रही हूँ, बहुत मार खाओगे। मैंने सबको बताया कि देखो मम्मा कैसे बिल्लियों से बात करते हैं, तो मैंने इसलिए आपको बोला। ऐसे मम्मा प्यार करते हैं उन लोगों को, वो लोग बात ही ऐसे मतलब तरीके से सुनते हैं। आप लोग बोलते हो ना कि आप लोग बिल्लियों से इस तरीके से बात क्यों करते हो, क्योंकि उन्हें इस तरीके की भाषा समझ आती है। उनको नॉर्मल बोलू ना ओरियो, तो देखो वो देख ही नहीं रहा है, उसको पता ही नहीं मैं इधर ओरियो। देखो मम्मी के पास जाए, पीछे से आवाज आ रही है ना, देखो देखो चला गया, देखा आप सबने, देखा इस तरीके से इसको समझ आता है। नॉर्मल बात करो तो इन लोग नहीं सुनते, क्योंकि आदत हो गई है ना इन लोगों को। ऐसे ही आते हैं लोग, जेलस होते हैं ना कि उसको प्यार कर रहा हूँ। और अभी मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगी, बैठूंगी और बयान सुनूंगी। इधर बन रही है इफ्तारी, बनानास, इनको मैं काट के मम्मी निकाल दूं। दो, अरे तीन चार पीस कर दो बस, मैं नहीं खाऊंगी फ्रूट। तुम नहीं खाओगी, मैं खा लूंगी। तो पूरा निकाल दो, फ्रूट्स खाया करो। अरे पूरा निकाल के, भाई उसको छीलना पड़ता है, छिलकों के साथ नहीं खाते। फोन जो है, मुझे क्या पता, नहीं छिलकों के साथ नहीं खाते। नहीं तो बोल देने से छील, मैं बस उनको पूछ रही हूँ कि छील के छोटे छोटे पीसेस करने, छील के ऐसे ही रख दो, छोटे मत करना, कुछ भी बोलते हो। बहुत लोग चाय पीते हैं इस वक्त, आप ही नहीं पीते हो बस, रोजे के समय सब ठंडा पीते, कोई चाय। मम्मा देखो ये खराब है, आई थिंक खराब है। खराब नहीं है मेरी माँ, गल गया, नहीं गला भी नहीं है। देखो अरे ये तुम चलो जाओ, अच्छा अच्छा अच्छा, इतने बड़े बड़े बड़े, अरे ये तो इतने बड़े पीस है, बस इतने बहुत है, मुंह में ही पिघल जाएंगे। ठीक है समझ गए, इतने बड़े काट रही हूं। मम्मी को लगता है मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन मुझे सब आता है। सबकी मम्मियों को ऐसे ही क्यों लगता है कि उनके बच्चों को कुछ नहीं आता। अरे फिर आपने नाइफ भी ले लिया। मैं आप सबको बता दूं, मैं किचन में कब आती हूँ, मैं किचन में जब आती हूँ, जब मुझे चाय बनानी होती है मैं तब आती हूँ, या फिर मुझे मैगी या पास्ता बनाना होता है तब आती हूँ, या फिर मम्मी से खाना मांगना होता है तो मैं किचन में आती हूँ, या मुझे मेरी बॉटल्स भरनी होती है पानी की तो मैं तब आती हूँ। मैं नहीं, मैं खाती हूँ फ्रूट, खाती हूँ। अभी ये वक्त मुझे तला हुआ अच्छा लगता है। सो यहाँ पे मम्मी चीकू काट रहे हैं, इधर बन रही है चाय। कर लिया मैंने सारा काम? हाँ बहुत कर लिया, जाओ पूरा काम तो तुम ही कर रही हो। मैंने सब काम कर लिया, मैं जा रही हूँ। ठीक है, आज मैंने बहुत मेहनत की है, तो मेरी सांस फूल रही है, और मैं बहुत ज्यादा थक भी चुकी हूँ। मम्मा अब बस इफ्तारी बांटना, यहाँ बैठा है, बोले आप यहाँ क्यों बैठे हो? सो आपको ये कुछ अजीब लग रहा होगा पिछले वाले व्लॉग से, तो मैं आप सबको बताती हूँ क्यों ऐसा लग रहा है। मम्मी ने अभी एक आध दिन पहले इसके सारे बाल ना सीजर से कट कर दिए, इस वजह से ये ऐसा दिख रहा है। इसको बहुत ज्यादा गर्मी भी लगती है, एसी में रहता है ये ज्यादातर, फिर भी इसको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। और कैच के बाल बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, तो फिर पूरे घर में टूटते रहते हैं, तो इसलिए कट करना चाहिए। और सबको पता है जिन जिनके पास कैच या डॉग या जो भी एनिमल्स होते हैं उनके घर पे बहुत ज्यादा बाल हो जाते हैं, तो मेरे घर पे भी बहुत ज्यादा सोफे पे, फिर उनके झूले पे भी बहुत रहते हैं, फिर हर जगह उड़ते भी है, तो इस वजह से उनके बाल ना छोटे रखने चाहिए, ताकि यहाँ वहाँ इतने ज्यादा बाल ना आए, इसलिए छोटे कर दिए। पर अच्छा भी है उसके लिए, उसको गर्मी भी नहीं लगेगी। हाँ हाँ, घर भी जल्दी गंदा हो जाता है इनके हेयर की वजह से,
तो अब अच्छा है, उसको गर्मी भी नहीं लगेगी और उसको मस्त ठंडा ठंडा हवा भी मिल रहा है और उसको अच्छा फील होता है जब भी उसके बाल कट जाते हैं। आपने पिछली बार भी किया था, हल्का महसूस हो रहा है। मुंह के नहीं काटे, सिर्फ उसकी बॉडी के और फिर पूछ के तो पूरे काट दिए। बॉडी के नहीं काटे, जब चलता है ना तो उसके बाल नीचे लटकते थे और फिर वो जैसा आप सबको पता है मेंढक की तरह वो लेट जाता है तो उसका पूरा बॉडी गंदा हो जाता था, वो पूरे बाल भी। और पोर्शन कैट का आप सबको पता है इतने बड़े बाल होते हैं तो वो नॉट्स बन जाते हैं, तो उसके बहुत ज्यादा नॉट्स बन गए थे जो कि नहीं बनना चाहिए क्योंकि वो बॉडी से मम्मा चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई है। हाँ मुझे पता है, आप उधर देख सकते हैं। कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। शाम हो गई है, इफ्तार का वक्त होने वाला है। कितना अच्छा कलर आ रहा है वहाँ पे, ऐसे रोज आता है, कभी पर्पल कभी ब्लू, ऐसे सब ग्रीन मिक्स होके ना ये सब भी आता है। कभी आएगा मैं आप सबको मेरे व्लॉग में दिखाऊंगी। पहले है जो कि इफ्तार में, वो है हमारी चाय। मम्मी को लगता है कि चाय कौन पीता है इफ्तार में, लेकिन सब पीते हैं। मैं भी पीती हूँ, खजूर उल्टे रख दिए मम्मी ने, ये चटनी और फिर ये पता नहीं क्या है। मम्मी ये क्या है, ये जैसे चिप्स हैं छोटे छोटे। अच्छा नमक के होते हैं। फिर ये ग्रेप्स और फिर ये थोड़े फ्रूट्स और फिर ये स्माइलीज जो कि काले हो गए हैं, ऐसे ही लग रहे हैं मुझे। और फिर ये रहे केक्स एंड कपकेक्स और फिर ये रही मलाई। मम्मी रोबजा बना लिए। बहुत गर्म होंगे ना मम्मा क्या कर रहे हो ये आप तो दिख नहीं रहे हो, पता है पिछले ब्लॉग में जैसा हुआ था मेरा मुंह खाने में बस जाना चाहिए, इतना दिखना चाहिए। फ्रूट्स इधर ले आओ ना, आप खाते हो फ्रूट्स तो। एक रोटी बनवा पेट भर जाता है, फल फ्रूट खाती नहीं हूँ। वो खाती क्या हो तुम? दाल चावल। दाल चावल चाहिए तुमको, पराठा चाहिए और पूरी चाहिए और चाय चाहिए, बस और कुछ नहीं। गिनती की चार पांच चीजें खाना जैसे मैं खाती बचपन में। देखो दिख रहा है आप सबको, पर्पल सबको दिखाया था ना मैंने, देखो येलो आता है, पिंक आता है, पर्पल आता है, कितना सारा अच्छा लग रहा है। अभी बहुत पर्पल था, मैं जैसे आई थोड़ा कम हो गया, ऐसे नहीं खेलता। मेरे पैर पे लग गई। सो मैंने इफ्तारी कर लिया है, पेट भर गया अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से खाया मैंने। और आप बताओ आप सबके रोजे कैसे जा रहे हैं? तो मैंने आप सबको बताया था कि मैं ये मियाँ वाला लाइट दिखाऊंगी, तो अभी रात हो गई है तो मैं अभी आप सबको दिखाती हूँ। और फिर चालू किया, चला 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 चला। हाँ कुछ इस तरह दिखता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और मियाओं को साथ में लगाओ तो ये कुछ ऐसा लगता है, तो दोनों कुछ ऐसा लगते हैं। तो कैसा ज्यादा अच्छा लग रहा है, मियाओं के साथ जल रहा है या फिर मियाओं के बिना? और एक और लाइट, ये वाली भी मैंने बीच में मंगाई थी, आप सबको दिखाई नहीं, तो ये भी बहुत प्यारी लगती है। तो बहुत कॉमन है, बहुत लोगों के पास है, फिर भी मुझे बहुत प्यारी लगी तो मैंने मंगा ली। यहाँ पे कितनी अच्छी लगती है, वाह ऐसे कलर्स हो जाते हैं अलग अलग। ये पार्टी है सी, अभी स्लो स्लो जलेगा। और ये वाला तो स्टार आपने देखा था पिछले व्लॉग में, तो बहुत क्यूट लगता है। यहाँ पे रख देती हूँ, बड़ा मीट है का वो जन। तो अब मैं जा रही हूँ ईशा पढ़ने और तरावी पढ़ने, और ये रहा मेरा ओरियो। हाय आ जाओ आता नहीं है ये गोद में, बहुत जिद्दी है, इसको बस जमीन पे बैठा, गोदी में नहीं आता। अच्छा ठीक है। ये भी काटता है मस्ती में। सो गाइस मैंने नमाज पढ़ ली है, तरावी पढ़ ली है और अभी मैं आके बैठ गई हूँ। काफी लोग बोल रहे थे कि ओरियो को डॉक्टर के पास दिखा दो, अगर ऐसे वो बीमार जैसा लग रहा है और खेल नहीं रहा है तो हो सकता है वो बीमार है। लेकिन नहीं, प्लीज आप लोग टेंशन मत लो,
हमने चेक किया और हम लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है कैट्स का, क्योंकि हम बहुत सालों से पाल रहे, तो हमें पता है कि कब बीमार जैसा होते हैं। अभी वो एकदम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से, उसको कुछ भी नहीं हुआ था, वो बस आलसी है बहुत ज्यादा, तो वो इस तरह से लेटा था, पर हम लोगों को लगा था ऐसा कुछ हो तो नहीं गया, बट देन वो शाम तक वो नॉर्मल हो गया था जैसा है वो बस सुस्ती में ना, उसको उस टाइम शायद बहुत नींद आ रही होगी उस दिन बहुत ज्यादा, तो इसलिए वो ऐसा हो रहा था। आऊंगी, फेस वॉश करूंगी, मॉइस्चराइजर लगाऊंगी, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करूंगी। मैं अपना व्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ, और मैं डेली व्लॉग नहीं कर सकती, बहुत लोग बोल रहे थे आप डेली व्लॉग करो तो मजा आएगा और आपकी रोजाना वीडियो देखने मिलेगी, पर जैसा आप सबको पता है मुझे नेक का प्रॉब्लम है, मैं रोजाना वीडियोस नहीं बना सकती, और अगर मैं बना भी लूँ तो मैं उसको रोजाना अपलोड नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे इतना ज्यादा पेन होता है, तो मेरे सर में भी पेन होने लगता है, आंखों में पेन होने लगता है, पूरे कान में पेन होने लगता है, तो मुझे दवाई खानी पड़ती है, तो मैं रोज वीडियोस बना के रोज अपलोड नहीं कर सकती, बट इंशाल्लाह मतलब मेरा बहुत ऐसे मतलब विश है कि मैं रोजाना वीडियो बनाऊं, डेली व्लॉग्स करूं, मैं डेली व्लॉग्स करूं और आप लोगों के साथ डेली अपना जो दिन है वो शेयर करूं, बट फिलहाल तो ऐसा इम्पॉसिबल है, बट आगे फ्यूचर में इंशाल्लाह ऐसा होगा तो मैं जरूर ऐसा करूंगी। और मैं अपना व्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ, क्योंकि कल मुझे सहरी में उठना है, तो उसके पहले भी मुझे बहुत सारी चीजें करनी है, और फिर उसके बाद मुझे सो जाना है, मुझे नींद भी आ रही है अभी से ही। सो मैं आप सबसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इफ यू लाइक दिस वीडियो टू लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, पता नहीं क्यों वो बीच में अपने आप वीडियो बन गया, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो टू लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, मैं जाऊंगा गाइस, बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, bye, ta-ta.